सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि कुर्ती मिस्टेक जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो रियलाइज़ की है, मिस्टेक्स जो मैंने अपनी कुर्तीज बनाने में जो मिस्टेक्स की है, कौन कौन सी मिस्टेक्स ऐसी है जो मेरे से हुई है, उन्हीं मिस्टेक्स को मैं आज बताऊँगी। सो सबसे पहले मैंने ये वाली कुर्ती, ये कुर्ती अंगरखा स्टाइल में है और इस पर इस तरह से गोटा लगा हुआ है, इस तरह से जो ट्रायंगल शेप का गोटा आता है वो लगा हुआ है। इस कुर्ती में जो मैंने इस कुर्ती को बनाने के बाद मैंने रियलाइज़ जो किया वो ये है कि इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन, प्योर कॉटन का फैब्रिक है और मैंने इसको समर के लिए बनाया था, समर में पहनने के लिए। और इसको बनाकर मैंने इसमें ये जो गोटा लगाया है ना, वो गोटा पहले तो मैंने इसको अंदर की साइड लगाया है इस तरह से। तो समर के लिए यदि आप कपड़े बना रहे हो तो सबसे पहले तो उसमें गोटा बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि जो गोटा होता है वो समर में अगर आप पहनोगे गोटा लगा के या फिर गोटे वर्क वाले कपड़े, तो शायद वो आपको आपकी स्किन को छुप सकते हैं। और दूसरी बात कि जो फैब्रिक था और जिस स्टाइल में मैंने कुर्ती बनाई वो दोनों बिल्कुल अलग थे, क्योंकि कुर्ती ये कॉटन थी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको साइड स्लिट्स, जो कुर्ती आती है अनारकली शेप में, साइड में स्लिट्स होते हैं और आगे से अनारकली शेप में लगती है, उस टाइप की कुर्ती शायद मैं बनाती तो ज़्यादा अच्छी बनती। बिकॉज़ ये जो फैब्रिक है ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये एक तो बांधनी में है और बांधनी प्रिंट जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट मैं इसको ज़्यादा नहीं पहन पाई, बहुत बहुत ही कम पहनती हूँ, क्योंकि इसका जो, ऐसा नहीं कि मुझे अंगरखा स्टाइल की कुर्तीज पसंद नहीं है, पसंद है, बट शायद मैं किसी और फैब्रिक पे ट्राई करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। कॉटन पे मुझे इसको, और स्पेशली इस पे मेरे को नहीं करना था। तो जब भी आप कुर्ती बनाए तो आप एक बार सोच लीजिए कि इस फैब्रिक पे ये जो वर्क है, जो भी आप लगा रहे हो, वो सही से जमेगा कि नहीं जमेगा, या फिर आप इसमें कंफर्टेबल फील करोगे कि नहीं करोगे। सो ये थी मेरी पहली मिस्टेक। उसके बाद इस कुर्ती में जो मैंने पहन रखी है, इस कुर्ती में जो मेरे से जो मिस्टेक हुई है, बहुत अच्छी कुर्ती, स्टिचिंग में भी बहुत अच्छी आई है, फिनिशिंग आई है, कंफर्टेबल भी है, नेक फिनिशिंग सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी मैं ये कुर्ती बहुत ही कम पहनने का ट्राई करती हूँ। और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसकी जो स्लीव है वो मैंने फुल स्लीव्स कर दी है, इसके नीचे ट्राउज़र है, प्लाजो पैंट है, प्लाजो नहीं है। आजकल जो पैंट्स से प्लाजो के जो ट्राउज़र वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, प्लाजो अब उतने ट्रेंड में नहीं है। सो उसके नीचे जो ट्राउज़र है वो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आया है, बट उसके बावजूद भी मैं नहीं पहनती। और उसका रीज़न है ये लॉन्ग स्लीव्स। मैं आपको पूरा कुर्ती का लुक दिखाती हूँ और बताती हूँ। तो ये देखिए, ये है इस कुर्ती का पूरा लुक। इसमें जो नीचे का ट्राउज़र है वो नहीं दिख पा रहा है, मैं खाली आपको ऊपर का पार्ट दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, बट इसमें जो ये स्लीव्स है ये मैंने फुल स्लीव्स बना दी है, और इसकी वजह से मेरे को बार बार इसको इस तरह से ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि मैं फुल स्लीव्स में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करती। और ये देखिए, पीछे से भी इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छी कुर्ती है। बट इसको बनाने के बाद अब मेरे को अफसोस हो रहा है कि अगर मैंने फुल स्लीव्स की जगह हाफ स्लीव्स बनाई होती तो शायद ये कुर्ती और भी ज़्यादा अच्छी लग सकती थी मेरे ऊपर, बट अब बना दी तो बना दी, क्या कर सकते हैं। ये थी मेरी कुछ गलतियाँ
जिससे मैंने सीखा है। सो आप भी कोई भी कपड़ा डिज़ाइन करने से पहले ये ध्यान रख सकते हो कि फैब्रिक क्या है, इस फैब्रिक के हिसाब से क्या हमने जो सोच रखा है वो इस फैब्रिक के हिसाब से बनेगा कि नहीं बनेगा। और उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि आप किस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं या आप किस टाइप के कपड़ों में आप कंफर्टेबल फील करते हो। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मैं हाफ स्लीव्स में कंफर्टेबल फील करती हूँ, बट मैंने लॉन्ग स्लीव्स बना दी धूप से बचने के लिए। बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।